गुड मॉर्निंग एवरी वन सो आज हम आज ये जो वीडियो है ये इस बारे में है कि हमने एक अपडेट दिया है ई आर पी सॉफ्टवेयर में जैसे भी पीछे से एग्जामिनेशन का वर्क चल रहा है अभी लेकिन कुछ स्कूल्स में ये क्वेरी आई है कि रॉन्ग uh, एंट्रीज हो रही हैं वैसे तो बहुत बार बताया कि जो भी आपकी एंट्रीज़ होगी क्लास थ्री टू सेवन वो न्यू रिपोर्ट में होगी को की एंड द स्कॉलिस्टिक की लेकिन जो टू एट एट्थ से प्लस uh, टू तक जो एंट्रीज हैं वो आपकी ओल्ड रिपोर्ट में बट मोस्टली स्कूल्स में ये एरर है कि वो क्या कर रहे हैं एट्थ की एंट्रीज भी न्यू रिपोर्ट में करें इस चीज़ को ध्यान uh, में रखते हुए हमने एक अपडेट दिया है सॉफ्टवेयर में अब जब आप एंट्रीज़ करेंगे तो जैसे आप एग्जामिनेशन में जाएंगे स्टूडेंट मार्क्स रिपोर्ट को स्कॉलिस्टिक एंड द स्कॉलिस्टिक की जब एंट्रीज़ करते हैं आप यहाँ से प्रोग्रेस रिपोर्ट टाइप को जब सिलेक्ट करेंगे अगर आप न्यू रिपोर्ट सिलेक्ट करेंगे न्यू रिपोर्ट में आपके पास स्कॉलिस्टिक एंड को स्कॉलिस्टिक दोनों आएंगे बिकॉज थ्री टू सेवन आपको दोनों में एंट्रीज करनी होती हैं तो अगर आप स्कॉलिस्टिक सिलेक्ट करते हैं देन आप क्लास सिलेक्ट करेंगे थर्ड सेक्शन जो भी आपका सेक्शन होगा फॉर एग्जाम्पल डेजी सेक्शन देन ऑल स्टूडेंट्स एंड एग्जाम नेम आ जाएगा आपका हाथ वेली एंड यहाँ पे आपके स्कॉलिस्टिक के सारे सब्जेक्ट आ गए तो आपने सब्जेक्ट वाइज उनको सिलेक्ट करना है सर्च करेंगे इसी यहाँ आपके पास ये आपका डाटा आ गया है तो यहाँ पे आपने क्या करना है अब जो आपको ये आपको पता है कि जो एंट्रीज़ करते हैं वो आपकी या तो ग्रेड वाइज होती है या फिर आपने अगर आपने मार्क्स असाइन किए हैं तो आप मार्क्स यहाँ पर ऐड करेंगे एंड अकॉर्डिंग टू योर मार्क्स जो आपके ग्रेड्स होते हैं वो आ जाते हैं जब आप रिपोर्ट कार्ड पर देखेंगे तो आपके जो मार्क्स होंगे वो ग्रेड में, में कन्वर्ट होकर आते हैं तो यहाँ से आप क्या करते हैं मार्क्स की एंट्रीज करेंगे सब सारे सब्जेक्ट्स के लिए वन बाय वन मार्क्स एंटर करो एंड देन सेव आप इसके लिए एक्सेल एक्सपोर्ट करके भी मार्क्स एंट्री करके देन एक्सेल को इंपोर्ट कर सकते हैं ये है स्कॉलिस्टिक के लिए ओके अगर आपने कोर्स स्कॉलिस्टिक में करनी है फॉर क्लास थ्री टू सेवन देन अगेन आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे न्यू रिपोर्ट यहाँ पे एग्जाम नेम चेंज करेंगे स्कॉलिस्टिक क्लास सिक्सन एग्जाम नेम सिलेक्ट करेंगे एंड देन यहाँ पे आपके पास ये फोर आते हैं कोर्स स्कॉलरस्टिक में आप इसको जैसे आपने सोशल हैबिट्स को किया है देन इसको सर्च करेंगे अगेन इसके इससे रिलेटेड जो डाटा होगा वो आपके पास यहाँ पर शो करेगा देन अगेन आपने यहाँ क्या करना है अब जैसे यहाँ पे आपके पास मार्क्स नहीं असाइन है दैट मीन्स आपने इसको ग्रेडिंग के बेसिस पे यहाँ पे आपके पास ग्रेड्स हैं तो इस स्टूडेंट के लिए आप इसको जो ग्रेड देना चाहेंगे आप यहाँ ड्रॉप डाउन थे वो ग्रेड सिलेक्ट कर सकते हैं ग्रेडिंग के लिए भी सेम है आप एक्सेल को एक्सपोर्ट कर सकते हैं एक्सेल में ग्रेड्स अपडेट करके आप यहाँ पर इम्पोर्ट कर सकते हैं ठीक है देन फॉर क्लास एट्थ और एट्थ टू ट्वेल्थ जब आप मार्क्स एंट्री करेंगे को स्कॉलरस्टिक के लिए आप यहाँ से सिलेक्ट करेंगे ओल्ड रिपोर्ट ओल्ड रिपोर्ट में आपके पास सिर्फ आएगा को स्कॉलरस्टिक ठीक है बिकॉज आप एट टू टेंथ एट्थ टू ट्वेल्थ आप को स्कॉलरशिप में ही एंट्री करेंगे स्कॉलरशिप में नहीं करेंगे मोस्टली स्कोर्स ने यही किया है कि उन्होंने ओल्ड रिपोर्ट सेलेक्ट किया लेकिन उन्होंने जो एंट्रेंस थी वो स्कॉरशिप के लिए भी कर दी है ठीक है तो यहाँ पर आपने सिर्फ को स्कॉलरशिप के लिए करनी है तो अब आपके पास ड्रॉप डाउन में सिर्फ को स्कॉलरस्टिक ही शो करेगा देन उसके अकॉर्डिंग के आपके पास क्लासेस आएंगी आपने यहाँ क्लास लेनी है एट्थ फॉर एग्जाम्पल डेजी एग्जाम नेम आपका हाफ एयरलीज एंड देन को स्कॉलिस्टिक एंड डिसिप्लिन आपके पास दो सेक्शन आते हैं अगर आप को स्कॉलिस्टिक की एंट्रीज करेंगे देन सर्च अगेन यहाँ पे भी आपके पास वो यहाँ दो मेथड्स हैं अगर आपके मार्क्स असाइंड होंगे तो आप यहाँ पे मार्क्स देंगे एंड देन वो जो मार्क्स होंगे वो ग्रेड्स में कन्वर्ट होंगे अदरवाइज आप डायरेक्ट ग्रेड्स को सिलेक्ट करके यहाँ कर एंट्रीज कर सकते हैं देन एंट्रीज करने के बाद इसको सेव कर दीजिए एंड सेम एक्सेल एक्सपोर्ट करके एक्सेल के थ्रू भी आप क्या कर सकते हैं एंट्रीज कर सकते हैं ओके okay? तो so ये जो आज की वीडियो थी ये इसी के बारे में थी जो एग्जामिनेशन में ये जो एरर आ रहा था बार बार एंट्रीज का बिकॉज इससे क्या हो रहा था रिपोर्ट कार्ड में ओवरलैपिंग हो रही थी जो एंट्रीज थी वो रॉन्ग हो रही थी एट की एंट्रीज ओल्ड रिपोर्ट में होनी चाहिए बट वो न्यू रिपोर्ट में हो रही थी इस वजह से सारा कुछ सारे इश्यूज आ रहे थे इस वजह से ये अपडेट हमने किया है इस अपडेट के लिए इस अपडेट के लिए जो ये यूट्यूब वीडियो है आपके लिए बनाई गई है और इसको आप क्या करेंगे अपडेट कर देंगे हम आप अपने यूट्यूब चैनल पे ये जो हमने अपने यूट्यूब चैनल पे जो वीडियो अपडेट की इसको हम आपको लिंक शेयर कर देंगे जिससे आप इसे आप देख सकेंगे थैंक यू सो मच